आज हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। ऑयल गरम करने के बाद उसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर सूखी लाल मिर्च, काजू और टमाटर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करके उसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को पका लेंगे। सारी चीज़ें पक जाने के बाद हम उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से पेस्ट बन जाने के बाद फिर कढ़ाई में प्याज और कैप्सिकम डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर प्यूरी डालेंगे, प्यूरी डाल के अच्छे से पका लेंगे। फिर थोड़ा पानी, नमक, कसूरी मेथी डाल के मिला के फिर पनीर डाल देंगे। पनीर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें गरम मसाला और मलाई डाल के अच्छे से मिला लेंगे और फिर तैयार है हमारा कढ़ाई पनीर। झटपट बनने वाली कढ़ाई पनीर अपने घर पे बनाएं और इंजॉय करें।